Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am, no problem. Clear hai sab? No, ma'am, no problem. Okay. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे थे पार्टीशन के, किस किस तरह के हालात रहे थे उस समय में. अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अब क्या था, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के अंदर कई सारी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, यानी क्षेत्र थे, और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स भी थी, यानी कि वो राज्य जो राजाओं के द्वारा चलाए जा रहे थे. ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स. अब इन सबको साथ में लेकर के आना, क्योंकि इनका जो कंट्रोल था पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में था, उसके अंडर थे ये लोग कुछ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस का. और दूसरी तरफ जो है बड़े और छोटे राज्य भी थे जो जिन पर राजा लोग जो है वो रूल किया करते थे, जिनको हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं. इन लोगों ने काफी समय तक कुछ अलग तरह का कंट्रोल जो है इंटरनल अफेयर्स में यही कंट्रोल करते थे. और वैसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ब्रिटिशर्स जो है वो सुप्रीम है हमारे ऊपर, लेकिन कुछ कुछ मामलों में इनकी भी चलती थी. तो ये जो अलग लेवल की इनका राज्य चल रहा था उस समय में, उस चीज को हटाना और फिर सारे लोगों को साथ में लेकर के आना, क्योंकि अब इंडिया आजाद हो गया था, तो उस चीज को हटाते हुए इनको एक सरकार के अंडर लेकर के आना और इनको बोलना कि अब आप लोग जो है सब इक्वल हैं. ठीक है, ये जो चीज थी ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल था उस समय में. और इसको कैसे इन्होंने शेपअप दिया, किस तरीके से इन्होंने इस चीज से डील करा, उसका उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस इन द प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड था दो हिस्सों में, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस यानी ब्रिटिश इंडिया के अंदर आने वाले क्षेत्र एंड द प्रिंसली स्टेट्स और राजा वाले राज्य. The British Indian provinces were directly under the control of the British government. The British Indian provinces they were पूरी तरह से control में थे British government के. ठीक है, on the other hand several large and small states ruled by princes called the princely state. और दूसरी तरफ वो बड़े या छोटे राज्य जिनके ऊपर राजा लोग रूल किया करते थे उनको बोला गया है princely state. Enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy. और वो लोग कैसे इस चीज को चला पा रहे थे, क्योंकि उनको अपने खुद इंटरनल अफेयर्स में कुछ ना कुछ उनको करने दिया जा रहा था, until and unless कि उन्होंने पूरी तरह से ये मान लिया हो कि भाई उनके ऊपर ब्रिटिश ही जो है, ब्रिटिशर्स ही जो है वो सुप्रीम है. तो मैं अपने सपोज कि तुम्हें अपने बोला जाए कि तुम्हें अपने राज्य में जो करना कर लो, लेकिन पावर जो है वो ब्रिटिशर्स की ही रहेगी ऊपर. तो इस चीज से अगर वो अग्री कर रहे थे तो वो अपने राज्य में रह पा रहे थे और अपने हिसाब से कुछ इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन और मैनेज कर पा रहे थे. दिस वॉज कॉल्ड द पैरामाउंसी एंड सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन यानी कि इंग्लैंड के द्वारा जो सारी चीजें चलाई जा रही थी ना, उस जगह के लिए बोला जाता था ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ रहा है सब कुछ. तो यहाँ पे सर्वोपरि क्या है, ब्रिटिशर्स ही है. ठीक है, पैरामाउंसी या सुजरेनिटी द सेम मीनिंग, सर्वोत्तम कौन सी सबसे ज्यादा है वो ब्रिटिश को ही, ब्रिटिशर को ही माना जाएगा, लेकिन आप अपने इंटरनल अफेयर्स पर अपने हिसाब से काम कर सकते हो. प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1/4 ऑफ 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर द प्रिंसली रूल. अब ये जो प्रिंसली स्टेट थी इनका कितना एरिया था, 1/3 एरिया था पूरे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ अपनी सुप्रीमेसी लगा रखी थी उसके अंदर उस एरिया को कवर करते हुए इनके पास में एक तिहाई हिस्सा था. और हर चौथे में से एक आदमी जो है वो प्रिंसली रूल के अंडर ही रह रहा था उस समय में. तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ. इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am, no problem. Okay. अब प्रॉब्लम क्या थी, अब इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया था कि हाँ भाई हमारा राज्य खत्म हो गया इंडिया के अंदर और ये जो पैरामाउंसी है ब्रिटिश क्राउन की प्रिंसली स्टेट के ऊपर वो भी हट जाएगी, तो इससे क्या लग रहा था, सारी स्टेट जो थी उस समय में 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी. ठीक है, और वो क्या हो जाएंगी, अब लीगल तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगी. अब सोचो कि एक राजा जो काफी समय से किसी एक ब्रिटिशर के अंडर काम करता हुआ आ रहा हो और वो सुप्रीम नहीं हो, और जब एकदम से उसका उसको पता पड़े कि हाँ भाई अब वो आजाद हो गया है, वापस से वो लीगल, उसको लीगल तरीके से आजादी मिल गई है, तो क्या तुमको लगता है कि वो
मानेगा किसी सरकार की बात कि ठीक है नहीं अब उससे मेरा उससे मैं उसके अंडर काम करता हुआ आ रहा था, ठीक है अब वहां से आजादी मिल गई तो ठीक है अब इंडिया की जो सरकार बनेगी मैं उसके अंडर काम कर लूंगा और उसके हिसाब से चलूंगा जहां पे सब लोगों को इक्वल मतलब मैं भी मैं और मेरे अंडर काम करने वाले जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो क्या आपको लगता है कि ये इजी होगा? नो मैम एग्जैक्टली। तो वहां पे भी यही चीज हो रही थी, उस चीज को कैसे इन लोगों ने टिकल किया वो जानते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू ओके दिस मेंट दैट ऑल दीज स्टेट एज मेनी एज 565 इन ऑल, इसको मार्क कर लेना कि उस समय में कितने राज्य हुआ करते थे। अधिकतर इस तरह का क्वेश्चन जो है एक्सटर्नल पूछ लेते हैं कि आजादी मिलने पर हमारे पास में कितनी प्रिंसिपी स्टेट थे हमारे इंडिया के अंदर, तो ये आपको आंसर देना है 565 थी। बट बिकम लीगली इंडिपेंडेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश्ड। अब इनको क्या बोला गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को इन्होंने बोल दिया था कि भाई आप जो स्टेट से सारी ये फ्री हो जाएंगी, आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, आपकी इच्छा हो तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है ये चीज यहाँ पे इन्होंने बोल दी थी। अब दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट। अब ये जो डिसीजन दिया गया था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने सिंपली ये डिसीजन प्रिंसली रूलर्स को दिया था, यानी कि जो राजा लोग हैं उनको दिया था, उनके अंडर रहने वाले लोगों को नहीं दिया था। दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने जैसा हो गया। और यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा किस चीज को था कि हम इंडिया को यूनाइटेड कैसे करेंगे, वो एग्जिस्ट ही कैसे करेगा, क्यों ऐसा कहा गया था? क्योंकि अब जब पहले तुमने हमारे देश के टुकड़े कर दिए हैं, फिर यहाँ पे तुम जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये आजादी दे रहे हो कि ठीक है तुम आजाद हो गए हो और तुम चाहो तो इंडिया ज्वाइन कर लो, तुम चाहो तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, और तुम चाहो तो अपना खुद से ही अलग राज्य जो है वो मेंटेन कर लो। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली थी और इंडिया की जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई थी इनकी इस बात से। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, बहुत जल्दी प्रॉब्लम शुरू हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रावनकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैज डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। तो जो रूलर थे ट्रावनकोर के, ठीक है अभी आगे पढ़ेंगे हम कि ट्रावनकोर क्या है, कौन सी जगह के लिए ये यूज किया जा रहा है, ठीक है वहां पे उन लोगों ने अनाउंस किया कि हाँ हम जो है ये स्टेट जो है वो खुद डिसाइड करेगी कि इंडिपेंडेंस उसको कैसे रखनी है, ठीक है जो रूलर्स थे ट्रावनकोर के। द निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। जो दूसरी जगह का जो निजाम था हैदराबाद का, जो वहां का राजा था, उसने भी यही अनाउंस करा कि ठीक है हमारी जो स्टेट है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेगी और हमें किसी के अंडर वो काम नहीं करना है, ठीक है। रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर अवर्स टू जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो भोपाल के जो नवाब थे वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने में थोड़े से उनका भी रिस्पॉन्स इस तरह से नहीं था अच्छा कि वो भी कर लें ज्वाइन। तो सबकी अपनी अपनी वो चल रही थी उस समय में कि कुछ लोग जो है वो ज्वाइन करना चाहते थे, कॉन्ट्ररी बेसिस पे कुछ लोग जो है वो नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। तो आपको ये नाम जो है ना ये बताए जो गए हैं यहाँ पर कि हैदराबाद का निज़ाम हुआ, ट्रावनकोर के रूलर्स हुए, इन लोगों ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया था कि नहीं हम तो हमारी स्टेट को अलग रखेंगे, अलग राज्य के तौर पर रखेंगे, अलग देश के तौर पर रखेंगे, हम जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है कई बार जब आपका वाइवा होता है कि कौन सी स्टेट जो इन्होंने सबसे पहला मना किया था, ठीक है। This response of the rulers of the princely states meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries. अब ये जो response आ रहा था rulers का princely states से, उन चीजों को देखते हुए तो ये समझ में आ गया था कि भाई आजादी के बाद में भी बहुत कम chances होंगे कि इंडिया जो है वो एक यूनाइटेड नेशन की तरह रह पाएगा, बल्कि इसकी वजह तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज बनने वाली है। The prospects of democracy for the people in these states also looked bleak. अब ये जो future वो आने थे circumstances जो थे इनके पास में, वो भी देख करके यही लग रहा था कि democracy वाली जो चीज है, ठीक है इंडिया के लोगों के लिए या states में जो रह रहे हैं उनके लिए, वो भी कहीं ना कहीं blur होती जा रही थी, वो भी एक उसमें dark उसमें जा रही थी,
कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो आजाद हो पाएंगे. दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी. अब ये जो है एक बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन थी, बहुत ही अजीब सिचुएशन थी, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस जो इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, जो आज़ादी मिली थी, तब से ही सबका एम ये था कि भाई हमें एक यूनिटी में रहना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है हमें साथ साथ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए चलना है, यानी अपने तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होकर के पूरे डिटरमाइन तरीके से हमें आज़ादी जो मिली है उसका हमें पूरा लाभ उठाना है और किसी के भी कंट्रोल में नहीं आना है. तो वो चीज कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे स्ट्रेंज होती जा रही थी, सिचुएशन जो है हाथ से निकल रही थी. इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट्स वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू द पॉपुलेशन. इस लाइन को मार्क कर लीजिए कि अधिकतर इन जो राज्य थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां पर सरकार जो चलाई जा रही थी उनका जो काम करने का तरीका था वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में था, यानी लोगों को हक नहीं था और वो पूरी तरह से इस चीज के अगेंस्ट में थे. रूलर्स जो वहाँ के राजा लोग थे वो पूरी तरह से अगेंस्ट में थे कि हमारी जो पॉपुलेशन यानी हमारे यहाँ की जो प्रजा है उसको हम डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोवाइड कराएं, इस चीज के वो पूरी तरह से अगेंस्ट में थे. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? मैम एक बार ये पैराग्राफ वापस एक्सप्लेन कीजिए ना. देखो ये पहले तो ये जो मैप दे रखा है वो समझो, ब्रिटिश इंडिया जो ये बोल रहे हैं बार बार इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन वाली चीज में, ब्रिटिश इंडिया जो था येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. तो ये सारा एरिया जो है ब्रिटिश इंडिया की कैटेगरी में आता है, अलग अलग आपको बताया गया है. और प्रिंसली स्टेट जो है उनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि 565 थी उस समय में. तो यहाँ जो ब्लू कलर से है वो एरियाज जो है वो प्रिंसली स्टेट वाला है, जिनमें से ये कई सारे लोग जो है इस चीज के खिलाफ में थे कि हमें आजादी जो है वो ठीक है, आजादी मिल रही है, ठीक है, हम अब आजाद है ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश रूल से, लेकिन हम हमारे राज्य को ना तो इंडिया में मिलाएंगे ना पाकिस्तान में मिलाएंगे, हम इसको पूरी तरह अलग कंट्री की तरह देखेंगे. ये चीज यहाँ पे बोली गई थी. तो सेकंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम है तो मैं आपको सेकंड पैराग्राफ वापस से समझा देती हूँ. ट्रेवनकोर जो है वो एरिया को बोला जाता है जो हिस्सा है अभी प्रेजेंट में सदर्न वेस्टर्न इंडिया का, ठीक है, किंगडम ऑफ केरला, उस एरिया के आसपास को जो है बोला जाता है ट्रेवन को. तो वहां के जो रूलर्स थे वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ थे, उन्होंने पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया था, इस चीज को डिनाई कर दिया था कि नहीं हम जो है इसको अग्री नहीं करते हैं, भले ही हम ब्रिटिश क्राउन से आजाद हो गए हैं. और अब हम, क्योंकि मैंने जैसे भी आपको ऊपर बताया था कि ब्रिटिशर्स ने उनके सामने ये पॉइंट रख दिया था कि आप हमसे तो आजाद हो गए हो और आपके पास में ये चॉइस है, या तो आप इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो, या फिर आप अपना खुद का जो रिमेन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह या इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह भी आप सर्वाइव कर सकते हो. तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पे प्रॉब्लम उठ रही थी. Just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely state would also lapse. इन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि ठीक है जब ब्रिटिश रूल खत्म होगा इंडिया पर से तो जो इनकी सुप्रीमेसी थी वो भी खत्म हो जाएगी उन स्टेट्स पे जो राजाओं की थी. This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. और इसका मतलब ये था कि जो हमारे इंडिया के अंदर 565 princely states हैं, यानी राजा भले वो छोटी हो या बड़ी हो, जो राजा हो लोगों के अंडर में जो एरियाज आ रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल तरीके से आजाद हो जाएगी. The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. अपनी विश के अनुसार इन्होंने बोल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आपको जो ज्वाइन करना कर लो, नहीं तो आप आजाद इंडिपेंडेंट नेशन की तरह भी सर्वाइव कर सकते हो. This decision was left not to the people but to the princely rulers of the state. This was very serious problem and could threaten the very existence of a united India. ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम थी जो भी हमारे यहाँ पे लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि हमारे देश को एक यूनाइटेड नेशन की तरह रखें और वहां पर एक ऐसी सरकार लेकर के आए जो सब पर रूल करे, सब लोग उसके अंडर इक्वली ट्रीट किए जाए, उनको लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. और ये इसलिए भी प्रॉब्लम थी कि इंडिया के अब इससे ज्यादा टुकड़े हो सकते थे. तो मतलब ब्रिटिशर्स जा तो रहे थे लेकिन वो सिर्फ एक ऐसी चीज बोल के जा रहे थे जिससे और ज्यादा इंडिया जो है उसकी यूनिटी पे खतरा आ जाए. एक तो पहला तो उन्होंने पूरे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया था
एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे बहुत जबरदस्त किया था, फिर उसके पहले ही पार्टीशन करा दिए थे, अब उसके और फर्दर पार्टीशन हो जाए तो उसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर बीज बो दिए थे एक तरीके से. The problem started very soon. First of all, the ruler of the Travancore announced that the state had decided on independence. अब सब प्रॉब्लम शुरू हो गई. पहली सबसे पहले जो रूलर थे ट्रावनकोर एरिया के, यानी केरला साइड के जो रूलर्स थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई हमारी जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है, ना हम इंडिया में ना हम पाकिस्तान में, हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट. द निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे. अब जो निजाम थे हैदराबाद के, उन्होंने भी यही अनाउंस किया दूसरे दिन कि हम भी इंडिपेंडेंट है, ना हम इंडिया में ना हम पाकिस्तान में, हम भी इंडिपेंडेंट है. Rulers like the Nawab of Bhopal were averse to joining the Constituent Assembly. अब दूसरी तरफ contrary में देखा जाए तो जो भोपाल के नवाब थे वो पूरी तरीके से अग्री कर रहे थे कि वो Constituent Assembly को join करेंगे, यानी कि सरकार जो बन रही है उसको join करेंगे और उसके अधीन हो जाएंगे और जैसा वो चाहेगी वैसे काम करेंगे. This response of the rulers of the princely state meant that after the independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries. अब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा था राजा लोगों का अलग अलग स्टेट से, उससे सिंपली एक ही चीज सबके सामने समझ आ रही थी सबको कि अब पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया के अंदर और छोटी छोटी कंट्रीज बन जाएंगी, यानी इंडिया एज इन प्रॉपर एक यूनाइटेड नेशन की तरह नहीं बनेगा. द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन द स्टेट्स ऑल्सो लुक ब्लीक. अब जो लोगों के फ्यूचर आउटकम्स थे, यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे, जो उनको दिख रहा था कि भाई डेमोक्रेसी जो है लोगों के लिए इस तरह की स्टेट्स में, वो भी अब धूमल होती जा रही थी. दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज अ डेमोक्रेसी. ये बहुत ही अजीब सिचुएशन थी लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस से ही लोगों का ये एम था कि आजादी के समय से ही लोगों के मन में ये भाव चल रहा था कि भाई अब हमारी कंट्री जो है वो एक यूनिटी आएगी, उसके अंदर एकता आएगी. अब वो पूरी तरह से डिटरमाइन थे कि अब हमें डेमोक्रेसी जो है उसको अपनाना है और उसी डेमोक्रेटिक एंड वी हैव टू फॉलो द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की अब कहीं ना कहीं आशाएं जो एक तरीके से धूमिल हो रही थी. In most of these princely states, governments were run in a non-democratic manner, and the rulers were unwilling to give democratic rights to their populations. अधिकतर इस तरह की जो ये princely states थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो राजा लोगों के अंडर थी, वो नहीं चाहते थे कि अपने प्रजा के लोगों को वो democratic rights दें, और उनके यहाँ पे जो काम करने का तरीका था, वो भी non-democratic manner में ही था. तो उनकी जो सरकारें अंदर खुद के जो काम करने का प्रोसीजर था वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर था. वहां पर लोगों की विशेष की कोई कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और वो अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से काम करते थे. अब समझ में आया सेकंड पैराग्राफ मानसी? यस मैम, थैंक यू. वेलकम. ओके, देन वी हैव गवर्नमेंट्स अप्रोच. अब गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच करी थी इस चीज को देखते हुए, क्या ये जो डिविजन हो रहा था इंडिया का छोटे छोटे हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, और मुस्लिम लीग जो है वो पूरी तरीके से ऑपोजिशन में थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उन्होंने कई सारी स्टेट्स जो है उनके लिए ये बोल दिया था कि वो उनको अडॉप्ट करने, तो अपने हिसाब से कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं. उसी तरफ एक लीडर थे जो सरदार पटेल, ठीक है, उस समय में वो इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे. काफी क्रूशियल पीरियड तक उन्होंने ये चीज देखी है, इंडिपेंडेंस तक उन्होंने एक बहुत हिस्टोरिकल रोल प्ले किया था. वो सारे प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स थे उनके पास में जाकर के गए और उनसे नेगोशिएशन किया और उनको समझाया कि अगर वो ज्वाइन कर लेंगे इंडियन यूनियन को एज एन यूनाइटेड इंडिया जो है उसकी तरह से, उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी तो सारी चीजें जो है बहुत आसान हो जाएंगी उनके लिए भी. और ये ऑल्दो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था जिसको एक स्किलफुल पर्सन ही कर सकता था, बहुत जरूरी था कि आप सारे लोगों को साथ में लेकर के आओ, उनको समझाओ कि आप अपनी ये जो जिद है इंडिपेंडेंट नेशन की उसको छोड़ दीजिए. क्योंकि आपको ये तो बेसिक है कि अगर कोई राजा काफी समय से ब्रिटिशर्स के अंडर काम करता हुआ आया है और उसको समझ में आ गया कि अब जैसे उसको आजादी मिल गई है तो वापस वो वैसे ही काम कर सकता है जैसे वो सालों पहले किया करता था, उसका राज्य जैसे हुआ करता था, यानी कि ही इज द राजा एंड ही विल डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, तो उस चीज को वो क्यों डिनाई करेगा, क्यों जाने देगा उस मौके को वो. तो इस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए सरदार पटेल जो थे उन्होंने अपने हाथों में इस चीज का पूरा जिम्मा उठाया और वो हर एक
जो ये ऐसे प्रिंसली स्टेट वाला व्यक्ति था उसके पास गए, रूलर था उसके पास में गए और उन्हें समझाने की कोशिश करी अपनी इस, अगर आप इंडिया को ज्वाइन करोगे या आप इस सरकार को ज्वाइन कर लोगे एज इन उसके अधीन आ जाओगे तो आपके लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी और हमारे लिए भी आसान हो जाएंगी। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी तरीके से गिव अवे कर देंगे कि अपनी पावर्स की, हाँ भाई आप कर दो ठीक है हम इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं और आप मेरा राज्य भी ले लो और सरकार जो है चला लो और मेरे को और मेरे जितने भी मेरे अंडर लोग अभी तक काम करते हैं उनको इक्वली ट्रीटमेंट दे दो और सारी चीजें जो है इस तरीके से कर लो। ऐसा नहीं था, उनको भी कुछ ना कुछ थोड़े से प्रिविलेजेस दिए गए थे और इसी के साथ में जो है एक एडवांटेज उनको दिया गया था। वो एडवांटेज क्या होगा वो हम कल पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ रहे हैं। और सिंपली यहाँ पे देख लो कि गुजरात के अंदर करीब 14 बिग स्टेट्स थी और 119 स्मॉल स्टेट्स थी और कई सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन थे इस सौराष्ट्र रीजन के अंदर, जो गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है उनको साथ में लेकर के आना ठीक है। आज हमारे पास में 26 to 29 स्टेट्स स्मॉल स्टेट्स हैं उड़ीसा के अंदर सिंपली। तो उस समय में काफी सारे टुकड़े थे, जैसे 565 राज्य हुआ करते थे, उनको साथ में लेके आने का काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और सरकार जो है उसके अंदर कौन व्यक्ति जो है जिसने ये जिम्मा उठाया था, वो था सरदार पटेल। उस समय में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और होम मिनिस्टर भी रहे हैं काफी समय तक ठीक है, इंडिपेंडेंस तक मिलने तक। समझ में आया? सिंपली एक इंट्रो था इस पैराग्राफ का। इज इट क्लियर? कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही कर रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम्स जो है आप इकट्ठी कर लीजिएगा, विल डिस्कस ऑल योर प्रॉब्लम्स इन टुमारोज सेशन एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर अनदर क्लास। ओके थैंक यू मैम।